नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्प्रह आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्प्रह के माध्यम से। बहुत दिनों से आपसे क्लेम मंत्र पर चर्चा नहीं हुई है और निरंतर मेरे पास क्लेम मंत्र को लेकर के प्रश्न और जिज्ञासाएं आ रही हैं। यदि भी क्लेम मंत्र पर मैं काफ़ी वीडियोस में बोल चुका हूं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ ऐसा जो आप नहीं जानते वो क्लेम मंत्र के बारे में होता ही है। तो इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि क्लेम मंत्र जब आप करते हैं तो आपके अंदर किन गुणों का होना आवश्यक है, किन वृत्तियों का होना आवश्यक है जिससे आपको क्लेम मंत्र का निरंतर लाभ मिलता रहे। पहली बात तो यह समझ लीजिए संक्षेप में कि क्लेम मंत्र में तीन प्रकार की शक्तियां या तीन प्रकार के देव उसके अंदर समाहित हैं। क्लेम मंत्र शक्ति का प्रतीक है, महाकाली का बीज मंत्र कहलाता है, जो इस संसार में शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं, जिनके बिना इस संसार की, इस संपूर्ण अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरा जो आपके लिए आवश्यक है वो है संतुलन यानी योग, जिसके अधिष्ठाता भगवान श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने गीता में समता योग दिया है। योग का मतलब होता है आपके जीवन में संतुलन का होना। योग का मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ व्यायाम या प्राणायाम वगैरह जानते हैं उसी को योग कहते हैं। योग का जो वास्तविक अर्थ है वो ये है कि आपके मस्तिष्क और आपके शरीर या आपके मन और आपके शरीर, इनका समायोजन बराबर है या नहीं है। तो अगर वो नहीं है आपके अंदर तो भी जीवन आपका असंतुलित होकर के और खराब हो जाएगा। और तीसरा जो बिंदु है वो है आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में आकर्षण का होना। अगर आपके व्यक्तित्व में आकर्षण नहीं है, आपकी बात कोई सुनता नहीं, आपकी बात कोई मानता नहीं, लोग आपको समझते नहीं, तो भी आपका जीवन व्यर्थ है। और आकर्षण के लिए हम भगवान कामदेव की उपासना करते हैं, जिनका बीज मंत्र क्लेम है। तो इस प्रकार से तीन शक्तियों का समावेश इस बीज मंत्र में है। और वैसे भी इस मंत्र को अगर आप किसी दूसरे मंत्र के साथ जोड़ते हैं तो उसकी शक्ति भी इससे बढ़ जाती है। तो ये तो बात रही क्लेम मंत्र की कि क्या क्या चीज़ें, किन किन शक्तियों को ये प्रदर्शित करता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप क्लेम करना चाहते हैं, अगर आप क्लेम से जुड़ना चाहते हैं, तो पहली बात तो यह है कि कोई ऐसा भाव लेकर मत चलिए कि मुझे इसका कुछ अनुष्ठान करना है, मुझे इतने करोड़ बार करना है, इतने लाख बार करना है, ऐसा कुछ भी सोचकर मत चलिए। साधारण रूप से जैसे हम दीक्षा देते हैं, दीक्षा ग्रहण करिए और उसके बाद क्लेम को करना प्रारंभ कीजिए। 11 माला, एक माला कर सकते हैं, 5, 7, 11, 21 जितना भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके करने में, उस जाप में एक निरंतरता होनी चाहिए। उसमें एक उबन, एक ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि बस जैसे तैसे निपटा रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो क्लेम मंत्र से आपको ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपके अंदर एक गहरी सकारात्मकता होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि आप ये मान लीजिए कि अपने जीवन में आप यानी मांसाहार को और शराब के सेवन को, इन दो चीज़ों को आप प्रतिबंधित कीजिए। ये दोनों चीज़ें ही एक नकारात्मक व्यवहार को प्रदर्शित करती हैं और ये आपको क्लेम मंत्र के लाभ भी नहीं मिलने देते। मांसाहार का सेवन मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर जीवन के प्रति इतनी करुणा भी नहीं है कि वो अपने खाने के लिए किसी जीव के वध को प्रतिबंधित कर सके,
तो मैं नहीं समझता कि उसमें किसी प्रकार के कोई सकारात्मक चिंतन का लक्षण है। और दूसरा जो कर्म है वो है शराब का सेवन। शराब के सेवन में लोग अधिकांश तर्क देते हैं कि इससे कोई मांसाहार नहीं कर रहे हैं, ये कोई मांसाहारी चीज़ नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है कि शराब अगर आप पीते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप ये इस तह में जाइए कि आप वो क्यों पी रहे हैं। आप उसको इसलिए पी रहे हैं कि आप स्वयं को भुला देना चाहते हैं, अपने गम को या अपनी तकलीफों को आप भूल जाना चाहते हैं, भुला देना चाहते हैं, इसलिए आप पी रहे हैं। दूसरा कारण शौकी, अगर आप पीते हैं, शौक से पीते हैं, तो भी बात सत्य नहीं है कि अगर आपका शौक इतना निम्न स्तर का है कि आप उसमें आनंदित हो रहे हैं तो आप परम आनंद को उपलब्ध हो ही नहीं पाएंगे। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये नकारात्मक चिंतन का प्रतीक हैं, इन्हें जीवन से हटाना होगा, तब आप क्लेम मंत्र को करने के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद जो मुख्य बिंदु है, जो मुख्य लक्षण है या जो मुख्य आपके अंदर गुण होना चाहिए, वो होना चाहिए आत्मविश्वास और संकल्प। अगर आप में विश्वास नहीं है, अगर आप में आत्मविश्वास भी नहीं है और विश्वास करके अगर आप क्लेम को नहीं कर रहे हैं तो क्लेम पे करने का कोई अर्थ नहीं है। और अगर आप में संकल्प बल नहीं है तो आप क्लेम को मत करें, इससे अच्छा तो संकल्प का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। हालांकि ये भी एक बात है, क्लेम मंत्र का जो जाप है वो आपके संकल्प को भी मजबूत करता है, लेकिन आपको विश्वास पूर्वक तो करना होगा। अगर आप ये चाहें कि एक दिन क्लेम मंत्र का जाप करके 10, 20, 25, 50 मालाएं और आप सोचें कि आप में संकल्प शक्ति आपकी बढ़ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आपको निरंतर रखना पड़ता है, एक नियम रखना पड़ता है। और जो नियम, जीवन से जुड़े नियम हैं, वो नियम मैंने आपको बता दिए, वो अलग नियम हैं। उनमें आपको अपने विकारों को त्यागना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार हैं। इन पर चर्चा मैं किसी दूसरे वीडियो में करूँगा, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि ये विकार कब हैं और विकार कब नहीं हैं। इनका निरंतर चिंतन विकार को उत्पन्न करता है। अगर आपका चिंतन निरंतर कामुक है, आपका चिंतन निरंतर क्रोधमय है, आपका चिंतन निरंतर अहंकारमय है, तो ये विकार है। लेकिन अगर आप इनको ऊर्जा की तरह प्रयोग कर रहे हैं तो इसको विकार के रूप में नहीं मान सकते, लेकिन इनका निरंतर चिंतन, इन्हीं में जीना, ये एक विकार है। तो विचारों की शुद्धता के लिए इन विकारों को दूर करना आवश्यक है। संकल्प बल मजबूत करिए, विश्वास को दृढ़ बनाए रखिए, उसके बाद क्लेम मंत्र को अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। निश्चित रूप से आप जिन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं वो उद्देश्य भी आपको प्राप्त होंगे, लेकिन आपको इन नकारात्मक चिंतनों को दूर करके तब करना होगा। कई बार हम अपने उद्देश्यों को इस जीवन में प्राप्त नहीं कर पाते, इसके लिए आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी है वो परमात्मा ने आपके लिए जो कुछ भी नियत किया है उसका एक समय भी नियत किया है। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि जैसा आप सोचते हैं उसी तरीके से चीज़ें घटित आपके जीवन में हो जाए। हमें लगातार उसे करना होता है, लगातार उन चीज़ों से जुड़ना होता है, तभी वो चीज़ हो पाती है और तभी हमें ब्रह्मांड स्वीकृति दे पाता है। ब्रह्मांड यानी अस्तित्व आपको किस प्रकार स्वीकार करे कि आप उसका एक हिस्सा हैं, इसके लिए आवश्यक है कि आपकी निरंतरता ब्रह्मांड के साथ है कि नहीं है। इस पर भी एक वीडियो अलग से बनाएंगे कि किस प्रकार आप ब्रह्मांड के भाग हो सकते हैं, आप ब्रह्मांड के एक भाग होकर के अगर जीते हैं तो चीज़ें आपके हित में, आपके पक्ष में होना शुरू हो जाती है। और अगर आप पत्थर की तरह अलग थलग रहते हैं, एक कड़ी की तरह नहीं जुड़ते, तो आप फिर बिल्कुल अलग ही हो जाते हैं और निश्चित रूप से आपकी इच्छाओं की पूर्ति या आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होना फिर बहुत मुश्किल कार्य हो जाता है। तो मुख्य बात यह है कि क्लेम मंत्र के जाप से पहले आत्मविश्वास, और कहिए कि विश्वास आपके मन में होना चाहिए और संकल्प बल आपका मजबूत होना चाहिए,
तभी क्लेम आपके साथ कोई अच्छा परिणाम दे सकता है। इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर आपसे एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे कि ब्रह्मांड में आपकी निरंतरता किस प्रकार रहे, ब्रह्मांड किस प्रकार आपका चुनाव कर सकता है, क्या गुण आपके अंदर होने चाहिए कि ब्रह्मांड आपका चुनाव कर ले, इस पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। लगातार देखते रहिए धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निष्पे। अगर कोई शंका है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, फोन में हर वीडियो के साथ देता हूं। नमस्कार, शुभ रात्रि।